यार अब मैं नहीं कर पाऊंगा यार, वो उतना नहीं हो पाता है और टाइम भी मैनेज नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैंने अब ये फैसला लिया है। तो उसमें 75 हार्ड डे। जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों, 75 हार्ड डे का आज है मेरा चौथा दिन। तो चलते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं और निकल जाते हैं वर्कआउट। अभी सुबह सुबह ना फिर से लाइट चली गई है, रात में तो थी लाइट लेकिन सुबह सुबह से चली गई है। और अभी हम पानी पी लगे हैं, तो नहा धो के माथे पे तिलक लगा के। और मुझे यार बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि मेरी ये जो ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड, ये खत्म हो चुकी है। ये देखो अब ये आगे पीछे के ऊपर नीचे के ये पीस बचे हैं, अब इसी को खाना पड़ेगा। अभी पीनट बटर और ब्रेड खा के निकल जाते हैं हम, धुक 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 रनिंग करेंगे। पहले अभी 7:30 हो रहा है और अभी बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। अपना वर्कआउट फिनिश करके और निकल जाते हैं फिर घर के लिए। अभी पहले रनिंग कर लेते हैं, अगर तेज बारिश होगी तो मैं रुक जाऊंगा, नहीं तो अभी कंटिन्यू रनिंग करता हूं मैं। तो आज ना मैं साथ में पानी की बोतल भी लेकर आ गया था, ताकि पानी क्या है सुबह सुबह भी पीते रहें और एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पानी यार लगता ही है। तो ये शेड में इधर थोड़ी सी क्वालिटी बेकार आएगी, यहाँ कर लेता हूँ वर्कआउट, इधर ठीक रहेगा। तो इस शेड के नीचे मैं अभी आ चुका हूँ और यहीं पे वर्कआउट करते हैं, क्योंकि बाहर तो गिर रहा है पानी और वैसे थोड़ा सा गीला हो चुका हूँ मैं, तो यहाँ क्वालिटी बेकार आएगी यार। चलो ठीक है करते हैं। मेरी आंखों में आप देख सकते हो नींद भरी हुई है, क्या करें यार सपने इतने बड़े हैं। कल रात में ना मैं बहुत लेट सोया था, और जब से 3-4 दिन से मैंने, चार दिन आज चौथा दिन है मेरे को इस चैलेंज का करते हुए, तो अभी तक ना प्रॉपर नींद मेरी हुई नहीं है। तो आज तो मैं घर जाके नाश्ता वगैरह करके अब सो जाऊँगा, क्योंकि नींद यार बहुत ज़रूरी है। अगर बारिश तो हो रही है तो नीचे ना कीचड़ कीचड़ हो रहा था, तो मैं पुशअप ज़्यादा नहीं मार पाया और सिटअप्स मैंने मार लिए थे 150। और क्या है, मैं लेट हो गया था ना, तो ये पार्क बंद होने का टाइम हो गया, सुबह ये पार्क बंद हो जाता है। तो जो गार्ड अंकल है उन्होंने बोला कि मतलब सिटी मार दी थी, मतलब खाली कर दो। तो घर आके खाया मैंने इडली सांभर, और इडली वैसे भी हल्की होती है। तो वर्कआउट करके आके मैं सो गया था, और अभी 12 बज चुका है और मैं उठ गया हूँ, मुंह धो लिया है और अब बारी है खाने की, पराठे और बैगन की सब्जी। तो ये है विवेक भाई का साची पार्लर, तो आप यहाँ पे आओ। विवेक भाई ने मेरे को बहुत सारा पैसा दिया इसका प्रमोशन करने के लिए, तो अंदर वो विवेक भाई बैठे हुए साची पार्लर है इनका। यहाँ पे आओ, यहाँ पे छाछ बहुत बढ़िया मिलता है। तो विवेक भाई की डेयरी से हमें कुछ कुछ अभी सामान लेना है, जो कि हमारा ब्रेड वगैरह जो खत्म हो गई थी वो ले लेते हैं और चलते हैं अभी घर। ब्राउन ब्रेड एक्सपायरी तो नहीं है। अपन ने दही ले लिया है, ये क्रिस्प पेलो ले लिए, ये मैं नहीं खाऊंगा, और ये ब्राउन ब्रेड ले लिए। तो अब चलते हैं घर। ये पन्नी भी मिल गई है, इसको सर पे डाल लेते, पानी गिर रहा है अभी। फिर शाम को मैं आ जाता हूँ सुंदरी को कोचिंग से लेने। क्या गिर गया था है क्या? फिर से होने लगी बारिश और हम यहाँ खड़े हैं अभी कुंद्री कुंद्री। तो मैं आ चुका हूँ अभी घर, और अब बारी है हमारे दूसरे वर्कआउट की। उससे पहले हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, मतलब हम मतलब मैं। तो ये बचाइए, थोड़ी देर में पी लूंगा मैं, क्योंकि अभी मेरे को करना है एप्स। और हमारा 3 लीटर पानी आज का खत्म हो चुका है, 1 लीटर और खत्म कर दूंगा मैं रात तक, और अब करते हैं एप्स का वर्कआउट। हाँ, और ये हमारा हॉल कम स्टोर रूम ज्यादा लगता है, क्योंकि ये पुराना जो दुकान का सामान है वो सब यहाँ रखा हुआ है, तो अभी कुछ नहीं कर सकते, यहीं पे वर्कआउट करना पड़ेगा। कल से मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी वर्कआउट हो जाए, तो दूसरी जगह पे कर लेंगे। तो अभी करते हैं वर्कआउट, एप्स बनाएंगे। कल भी मैंने ना एप्स की एक्सरसाइज करी थी और आज भी एप्स किया है, तो थोड़ा ना पेट दुख रहा है, तो अब मैं और नहीं कर सकता। तो अब थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, तो हम थोड़े डोले शोले को ट्रेन कर लेते हैं। और ये रही आज की फोटो। तो वर्कआउट फिनिश होने के बाद मैंने पढ़ी गीता, ये खिचड़ी बनी हुई, और मुझे चावल खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन अब क्या करें, रोटी तो अभी बनी नहीं थी, चावल ही बने तो चावल ही खाना पड़ेगा अभी। तो यार अब मैं नहीं कर पाऊंगा यार, अब नहीं हो पाएगा। रुक जाओ यार भाई, यार चैलेंज नहीं छोड़ रहा हूँ मैं, चैलेंज तो मैं कंप्लीट करूँगा पूरा, कर ही रहूँगा। और
बस सीन ये है कि जो मैं लॉन्ग ब्लॉग डाल रहा था ना, अब लॉन्ग ब्लॉग नहीं डाल के मैं पूरा फोकस करूंगा शॉर्ट पे, क्योंकि मुझे इंस्टा पे भी डालना रहता है और शॉर्ट वीडियो पे भी डालना रहता है। तो लॉन्ग ब्लॉग के चक्कर में ना वो उतना नहीं हो पाता है और टाइम भी मैनेज नहीं हो पाता है, क्योंकि लॉन्ग ब्लॉग पूरा करो फिर एडिट करो। और मेन प्रॉब्लम ये है कि मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही, और अगर नींद पूरी नहीं होगी तो जो भी खा पी रहा हूँ या जो भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैंने अब ये फैसला लिया है कि अब लॉन्ग ब्लॉग नहीं करके मैं शॉर्ट ब्लॉग करूंगा, मतलब जो कि डेली मेरा 75 हार्ड डे का जो भी मैं ब्लॉग करूंगा उसका शॉर्ट वीडियो ही डालूंगा, मैं पूरा फोकस शॉर्ट पे करूंगा। और लॉन्ग वीडियो डाल रहा हूं तो यार उसमें से ना शॉर्ट निकाल रहा हूं तो यार क्वालिटी उतनी नहीं आ पा रही है, इसलिए अब मैं शॉर्ट करूंगा। और लॉन्ग ब्लॉग पे जो मतलब मेरा दूसरा जो कुछ भी, अगर जैसे मैं कहीं जा रहा हूं या कुछ भी कर रहा हूं तो उस पर 75 हार्ड डे से अलग जो भी कुछ होगा लाइफ में या जो भी डेली होगा मैं वो अपलोड करूंगा। तो मिलते हैं फिर। तो अब बारी है सोने की, सुबह मिलते हैं, टाटा बाय बाय।